नीचे अगर आज ये क्रैंक नहीं हो रहा है। नाइस नाइस सीख गया ब्रो सीख गया। घर से निकलते ही पहले ही ऑफ रोडिंग भैया निकल गए। तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों के बाद आज हम निकले हैं कहीं जाने को, मतलब हम जा रहे हैं आज गुवाहाटी और आज का डेस्टिनेशन कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं जबरदस्त वाला डेस्टिनेशन है भैया। ये सही है, चलो सुबह सुबह का मॉर्निंग है, निकलते हैं। सुबह सुबह खाली खाली रोड, मजा आ जाता है हमको भगाने में भैया। तो हमने अभी कल पेट्रोल पिला लिया था गाड़ी को, यहाँ पे देख सकते हैं दो डंडी है। तो आज भी जा रहे हैं कुछ एडवेंचर ट्रेल के लिए, वो भी सोलो, कोई नहीं है हमारे साथ। आज भी हम खाली ही हैं। हाँ, तो हम यहाँ पे रुक के जो फुटेज था उसको एंगल को चेक कर लिया है, तो आगे ज़्यादा रुकेंगे नहीं। अभी 7:19 हो चुका है और 9 बजे का मीटअप पॉइंट है, तो 9 बजे से पहले पहुँचना है हमें। उस बार की तरह उस बार भी हम सबसे पहले पहुँचे थे, मतलब सबसे दूर से जाके, इस बार भी हम ही सबसे पहले ही पहुंचेंगे। चलो तो अभी आके रामपुर पहुंच गई थे और बारिश ने पकड़ लिया और हम यहीं पे रुक के, थोड़ा थोड़ा बारिश है जा सकते हैं लेकिन हम भीगना नहीं चाहते, इसलिए यहाँ पे रुके हैं। थोड़ा कमेगा उसके बाद जाएंगे। ये बारिश, तो गाइस हम बारिश में ही निकल गए थे, मतलब बारिश ने पूरा चौपट कर दिया प्लान। हम थोड़ा बहुत भीग गए पूरा का पूरा, अभी तक गुवाहाटी नहीं पहुँचे, मतलब फ्लाईओवर ही नहीं पहुँचे। तो अभी मतलब वो जो रेन कवर है ना, मतलब क्या बोलते हैं, वाटर माउंट है, उसी को लगा के हम चल रहे हैं। अभी फिर भी भीग भीग के जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि आगे बारिश ना हो। अभी बीच में बारिश नहीं होता है, बीच में होता है, तो ऐसे ऐसे ही चल रहा है। बरखुन के बरसात में, बरसात के मौसम में, अरे लड़की को देख, ये सारा पागल है क्या? तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। आके यहाँ पे पहुँच गए, मतलब एक्वलैंड के थोड़ा ही सामने, 1 किलोमीटर मतलब 2 किलोमीटर सामने। और बाकी ये रहा रफाइल, रफाइल ने क्या पेला है, और उसका आगे का मोटगट की वजह से मतलब बहुत गंदा हो गया सामने। बाकी सबके लिए रुके हैं, अभी कोई आया नहीं, अभी ट्रेन क्रॉसिंग होएगा, अभी ट्रेन आ रहे हैं, तो उसके बाद मिलते हैं। चलो ओके। तो यार गाइस फाइनली भाई लोग मिल गए हैं, बाकी ये 3 ही एक्सपर्ट है आज। चलो खेलते हैं भैया, राइड शुरू। ला 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 ला। तो गाइस अभी हम माइक नहीं लगा सकते हैं, इसका कारण है बारिश। ग्लोव भी नहीं पहना। ऑफ रोड ट्रैक यहाँ से शुरू होता है और थोड़ा वॉइस थोड़ा कम, बस कम ज़्यादा कम आ सकता है क्योंकि अपन ने माइक नहीं लगाया है, डायरेक्ट वैसा ही है वाटर प्रूफ किसी के अंदर, तो इसीलिए साउंड थोड़ा बहुत उल्टा उल्टा होगा।
बाकी एडजस्ट कर लीजिए यार, बारिश हो रहा है फिर भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं। देखो अभी लोकेशन चेक करो, आप देखते जाओ। लोकेशन चेक करो क्या लोकेशन। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी। ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली, करे जो झकझोरी क्यों ना। सूरज की किरणें आने दे मेरे नींद, अब चल जाने दे जो भी बीत। ओ जगे ताने पे ताने दे उनकी। तो वैसे ही है ट्रेल आज का भैया, खतरनाक ट्रेल। ओके ओके, भाई साहब अभी अभी होएगा असली ऑफ रोडिंग। उतार दिए तो है, उतार तो दिए है, बाकी आगे का पता नहीं। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, हा 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 हा, उतार दिए फाइनली गाइस। रन बॉय रन, आज इसलिए सामने का जो क्या बोलते हैं उसको, इसलिए आज हम सामने का मौत गार्ड उतार के लाए हैं। वाटर क्रॉसिंग, वाटर क्रॉसिंग, क्या तो हल्का फुल्का है गाइस, आसान आराम से निकल के आते हैं। मेरा वाला थोड़ा भारी है इसलिए परेशानी होती है। ए भैया अरे भैया, ये तो कुछ ज्यादा ही है। अरे भैया काल जंप किए हो, रेडी तो मैं तो डर गया बाबा। मोबाइल है वो टेंशन है। अभी होएगा ऑफरोडिंग गाइस, जाओ बेटे। अरे मेरा होएगा, अरे बहुत गहरा है ये भी, हाले तो बहुत ये भी, अरे लोगे डूबी को चुके ये भी। न्यूट्रल में ना, न्यूट्रल में। चलो 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 गाइस, कम ऑन कम ऑन, स्टार्ट करो करके। अभी क्रैंक कर पूरा पानी अंदर, पानी का नीचे था ठीक है कि नहीं है। नहीं पानी में रबर रबर, एक एक बार बैक आना, बैक आने थैली दी। 1 2 3 रबर एक नोटी बोले 1 1
पानी निकल रहा है अरे यार भूत रहा है भूत रहा है ये पहले दिए एक जस्ट पॉइंट ले गाइस देखो खत्म पहले ही सीन में अरे देखो भूत से क्या ले पानी ये वाला मस्त था ये वाला मस्त था हां और तीन है और इससे भी ज्यादा है क्या एक तो इससे ज्यादा है एक इससे ज्यादा है अभी वही नेक्स्ट मिलने वाला है ये गाइस डर गए गाइस हम तो डर गए होता है पानी के अंदर तो वन ऑफ द मतलब मैं बोल सकूंगा कि ये बाइक कैपेबल नहीं है ऑफरोडिंग के लिए अगर आज ये क्रैंक नहीं हो रहा है रफाल की इज्जत पे लग गया है और इसलिए स्टार्ट ले ही लिया फिर बंद हो गया मतलब पानी घुस गया इसके अंदर गाइस गाड़ी ऐसे भी हीट ज्यादा होता है अंदर इतना पानी रहेगा अपने आप निकल जाएगा अपने के पास चला ये देखो पानी इतना पानी गया भाई फिर से राइड शुरू एडवेंचर तो गाइस रफाइल ने हार नहीं माना रफाइल के साइलेंसर के अंदर इतना पानी घुस गया था आप लोगों ने देखा ऐसा लग रहा था कि मशीन है वो कुछ मशीन से पानी निकाल रहा है पानी वाला मशीन है ना वैसे कुछ लेकिन हार नहीं माना गाइस रफाइल ने ट्रेन तो खतरनाक है एकदम पहले ही डूब गए थे ओ भाई और भी बोला है कि और भी आएगा ऐसा पैच तीन और आएगा तो वो तीन पार करना पड़ेगा उसके बाद ही हम अच्छे से जा पाएंगे बाकी ये लूज हो गया अरे तुम लूज का ही होते हो बे मतलब स्लिप हो रहा है बहुत ज्यादा ही ज्यादा स्लिप हो रहा है गाइस मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा पीछे वाला चक्का ये सब तो गायब हो गया मेरे को छोड़ के भाई ओ 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 भाई अरे हम तो डर गए अभी से अभी शायद दूसरा वाटर क्रॉसिंग आ गया हाँ मोरो कॉन्फिडेंस भाई ने एकदम न है मैं फुर्सी ले देते हैं ऑल ओवर करने वाली गई स्किट करिए से बहुत तो गाइस टायर का कोई काम नहीं है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्किड हो रहा है मतलब इतना स्किड हो रहा है कि क्या बताए उसका भी मतलब हमारा दोनों में स्टॉक टायर लगा है बाकी इनका टायर देखिए ये चेक कीजिए ये देख रहे हैं इसके वजह से वो लोग बच जा रहे हैं बार बार हम नहीं बच पा रहे और फिर से यहाँ पे पानी आ गया अभी देख रहे हैं कि जा पाएंगे कि नहीं पानी कुछ ज़्यादा है क्या या कम है तो गाइस हम पानी में उतर गए अरे कम है गाइस इसमें पानी थोड़ा कम है अभी यहाँ पे रुकते हैं बाकी को आने देते हैं तो पहला बाइक आते हुए मतलब सीधे आराम से आ जाएगा कोई टेंशन नहीं है तो पानी कम है
मजा भी आएगा। चलो अब मैं आता हूँ, ये देखो पानी डायरेक्ट। तो गाइस आसानी से आ गए इस बार। खतरनाक ट्रेल है भाई इस बार, तो कुछ ज्यादा ही एडवेंचर। देखो पानी निकल रहा है बोट से। बाकी बारिश भी हो रहा है जबरदस्त वाला, लेकिन उसका कोई टेंशन नहीं है। टेंशन इस बात का है कि मोबाइल ना भीग जाए। बाकी देखिए टायर के स्पीड करता है वो, देखो कि हमारे वाले में बार बार मोड चेंज करना पड़ रहा है। मोड़े इसे रेन मोड में आ गए भाई। शायद फिर से वाटर क्रॉसिंग आए हैं, शायद फिर से वाटर क्रॉसिंग, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा है। ये भाई ये तो कुछ और, ये भाई ये कैसे जाएगा, ये भाई इम्पॉसिबल। अभी नीचे उतर के देखना पड़ेगा गाइस। नहीं है नहीं है। तो गाइस हम इस तरफ आ गए लेकिन बाइक लेके नहीं आए, खुद ही आ गए आ सकते हैं लेकिन उतारेंगे कैसे, एक एक करके उतारो पकड़ पकड़ के, या फिर जंप कर लो। बहुत टेंशन है, बहुत स्पीड होगा। ओके लेंच में कुछ लग गया गाइस, निकल गया एक्सपल्स। इट्स टाइम फॉर कुनाल नाउ। तो ये जो पैच है, ये मतलब नीचे उतरने वाला पैच है, थोड़ा हार्ड है। मतलब चढ़ने का टाइम में ज्यादा हार्ड होगा ये, उतरने का टाइम में फिर तो आप उतर सकते हो, चढ़ने का टाइम में ये फटाने वाला सबको, सबका खाने वाला ये आज जान चढ़ने का टाइम। चलो इट्स माय टर्न नाउ, तुम जा रहे हो, चलो एक ही बार में निकल जाओ। आगे का ब्रेक मत दबाना, खाली आगे का ब्रेक मत दबाना, इंजन ब्रेकिंग में पीछे का ब्रेक दबा दबा के जाओ, आराम से छोड़ दो बाइक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे थोड़ी गड्ढा है, छोड़ दो जाने दो। नाइस नाइस नाइस, सीख गया ब्रो सीख गया। যাব দিয়া, নামিব দিয়া বাইকখন, বাস লাহে লাহে কন্ট্রোল। সামান এই পে বাকি গাইস, তরফ কা লোকেশন এসা আর ইহা কা এসা। তো গাইস আবি কোই অপশন নেই হে, কিসি ভাই